Hello student, in the continuation of the previous lecture, here we deal with the improper integration of second kind. In the previous lecture, we have studied some comparison test, right? For the improper integration of the second kind. So, un comparison test ki help se, aaj improper integrations of second kind ke upar kuch sawal karenge, theek hai? हम देखेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से उसकी हेल्प से ये प्रॉपर इंटीग्रेशन कितने आसान हो जाते हैं आपके पास है ना टू फाइंड आउट देयर कन्वर्जेंस सो दैट द इंप्रॉपर इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी सी ओवर एक्स टू द पावर एन डीएक्स यानी कि इस टाइप का जो इंप्रॉपर इंटीग्रेशन है आपके पास है ना वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड सी इज पॉजिटिव सी के आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये कन्वर्ज करता है ना ये इंप्रॉपर इंटीग्रल क्या है कन्वर्जिस है ना कन्वर्जिस इफ एंड ओनली इफ एन इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जिस एन इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अगर आपको याद आ रहा हो कि इंप्रॉपर इंटीग्रेशन फॉर द फर्स्ट काइंड में ये चीज आपके पास उल्टी होती थी कि आपके पास अगर फर्स्ट काइंड का इंप्रॉपर इंटीग्रेशन है तो वहां पे n इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करता था n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्ज करता था लेकिन यहां पे ये कहानी उल्टी है n greater than 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है less than equals to 1 के लिए क्या कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है ठीक है तो चाहो तो आप इसको दो लाइन में करके भी देख सकते हैं आपके पास आपका इंटीग्रैंड क्या है c over x to the power n है ना और इसको a to capital x कर लो यहां पे लिमिट ले लो लिमिट कैपिटल x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल ले लो है ना लिमिट कैपिटल x टेंड्स टू इंफिनिटी और ये क्या हो जाएगा c आपका कांस्टेंट है x टू द पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 और लिमिट होगी आपके पास a टू कैपिटल x तो ये हो जाएगा लिमिट कैपिटल x टेंड्स टू इंफिनिटी c ये हो जाएगा कैपिटल x -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 एंड माइनस a टू द पावर -n + 1 डिवाइडेड बाय -n + 1 तो ये तो एक क्या हो जाएगा फाइनाइट नंबर हो जाएगा फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1 है ना जब आपका n इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो n इक्वल टू 1 हो गया तो भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ठीक है अब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा n नॉट इक्वल टू 1 के लिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये हमेशा फाइनाइट रहेगा ये डिसाइड करेगा कन्वर्जेंस को ये क्या करेगा कि अगर आपका n जो है माइनस n आपका माइनस n जो है नहीं अगर आपका जो n है ना वो लेस देन 1 रहा क्या रहा आपका n लेस देन 1 रहा तो ये x ऊपर बना रहेगा x ऊपर बना रहेगा तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी देने लगेगा क्या देने लगेगा इंफिनिटी ठीक है लेकिन अगर आपका n ग्रेटर देन 1 रहा अगर आपका n जो है ना 1 से बड़ा हो गया तो -1 तो ये हो गया माइनस जो है ना माइनस ग्रेटर देन 1 और प्लस 1 यानी कि जो x की पावर है नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी जब x की पावर नेगेटिव हो जाएगी x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये आपको 0 देने लगेगा क्या देने लगेगा 0 और 0 माइनस फाइनाइट फाइनाइट तो ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करने लगेगी ये लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 और n इज लेस देन और इक्वल टू 1 पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन 1 अदरवाइज डाइवर्जेंस तो ये छोटा सा ख्याल रखना है कभी कभी जब हम एनालिसिस करते हैं इम्तिहान में लिख रहे होते हैं तो इम्प्रोपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड का जो क्वेश्चन होता है तो उस पर एनालिसिस कराते हैं इम्प्रोपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड की जो इस तरह का क्वेश्चन होता है नाउ कम टू द क्वेश्चन और क्वेश्चन आपके पास पहला है Examine the convergence of 1 to infinity dx upon x square root x square plus 1 ठीक है ये है आपके पास तो भैया आपका जो इंटीग्रांड है यहाँ पे f of x को चुपके से लिख लीजिए क्या है 1 upon x square root x square plus 1 पहले बात इसका जो इंटीग्रेशन है थोड़ा सा मुश्किल होगा करने में है ना तो कर तो देंगे लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा अब इसको हमें देखना है कि ये प्रॉपर इंटीग्रेशन कन्वर्ज करता है या नहीं करता ठीक तो आपने क्या करा
आपको एक जी एक्स फाइंड करना है, एक ऐसा जी एक्स फाइंड करना है ताकि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो या तो नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए या फिर जीरो आ जाए, तो आपका जी एक्स फिर आपको ऐसा लेना है कि वो कन्वर्जेंट हो, उसका ओवर दिस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो, या फिर वो जी एक्स अगर लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो उस जी एक्स का इंटीग्रेशन ओवर दिस रेंज क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, है ना, तब वो इन्फॉर्मेटिव होगा। तो वो जी एक्स आपको सर्च आउट करना है, मेन काम है कि उस तरह के जी एक्स को निकालना। अच्छा, इस तरह की जो एलआईसी से वो सिंपल हो जाएगी अपने आप में। आप क्या करें कि इसको थोड़ा सा देख लें कि वन अपॉन एक्स, अगर मैं यहां से अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लू, यानी कि एक्स मैंने कॉमन ले लिया, एक्स एक्स स्क्वायर अंदर से कॉमन ले लिया तो एक्स बाहर आया, तो ये इस तरह का बनेगा, है ना। और अगर मैं इसकी लिमिट लू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये मुझे दे देगा वन, और ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का बनेगा, है ना। यानी कि अगर मैं इस पूरे को वन ओवर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं एफ एक्स को, तो मेरा सिर्फ ये बचेगा, है ना, और ये बचेगा एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये मुझे दे देगा वन नॉन जीरो फाइनाइट, तो नॉन जीरो फाइनाइट दे देगा। इसका मतलब ये मैं इक्विवेलेंट अगर मैं यहाँ से वन ओवर एक्स स्क्वायर ले लूं, मेरा जी एक्स ही कंसिडर कर दूंगा, तो मेरी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आ जाएगी, तो ये इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा, दोनों बिहेव अलाइक कर जाएंगे, और दोनों विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट सेकंड ऑफ द लिमिट फॉर्म, ये दोनों क्या कर देंगे, बिहेव अलाइक कर जाएंगे। चलिए देखते हैं, अब वो करते हैं चूज जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या करेंगे हम, वन टू इन्फिनिटी, हाँ जी ऑफ एक्स तो फंक्शन है, वन ओवर एक्स स्क्वायर आपने लिया, है ना, देन लिमिट कैपिटल एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, ये लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, ये लिमिट आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट कैपिटल एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, लिमिट आ गई नो वन, लिमिट क्या आ गई वन, विच इज क्या है, नॉन जीरो एंड फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट है, तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड फॉर्म, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट ऑफ लिमिट फॉर्म, बोथ द इंटीग्रल दैट इज वन टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स एंड वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बिहेव अलाइक, यानी कि कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो भैया बस इसको देख लो कि क्या कर रहा है, दिस इंटीग्रल अगर हम बात करें, दिस इंटीग्रल यानी कि 1 टू इनफिनिटी 1 ओवर x स्क्वायर dx, व्हाट अबाउट दिस, दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस बिकॉज़ n इज ग्रेटर देन 1, ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, तो ये वाला इंटीग्रल भी आपका क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और नेक्स्ट प्रॉब्लम एक सवाल और लेते हैं छोटा सा, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर फाइव प्लस वन डी एक्स, ठीक है। तो भैया वो सिंपल सा काम है कि गिवन इंटीग्रैंड आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर फाइव प्लस वन, तो क्यों ना मैं एक्स टू दावर फाइव एक बार कॉमन ले लू बाहर, तो एक्स टू दावर फाइव बाई टू बचेगा और स्क्वायर रूट में बचेगा वन प्लस वन ओवर एक्स टू दावर फाइव, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स टू दावर माइनस टू, यानी कि मैं वन बाई टू बचेगा, जब आप इस पावर को नीचे लाके माइनस करेंगे, फाइव बाई टू माइनस टू, फाइव बाई टू माइनस टू का मतलब हो गया एक्स टू दी पावर वन बाई टू स्क्वायर रूट वन प्लस वन ओवर एक्स टू दी पावर फाइव, तो क्यों ना मैं इसको जी एक्स कंसिडर कर लू, है ना। तो चूज यही है, यही गेम है कि जी एक्स क्या चूज करें, ये स्मार्टली आपने चूज कर लिया तो काम बन गया, क्योंकि इस जी एक्स के साथ में लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जब आप करेंगे तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी वन, जो कि क्या होगी, नॉन जीरो एंड फाइनाइट होगी। जब ये नॉन जीरो एंड फाइनाइट लिमिट होगी, इसका मतलब क्या हो गया, बोथ द इंटीग्रल, कौन कौन से इंटीग्रल, जीरो टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स एंड जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स बिहेव अलाइक, यानी कि कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, यानी कि अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये डाइवर्स करता है तो ये भी डाइवर्ज करेगा। चलो इसको देख लेते हैं अब क्या है,
अब ये वाला आपने जीएक्स जो लिया, अब जीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स टू द पावर हाफ डीएक्स, भैया ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्यों डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एन है ना वो लेस देन वन है ना, और लेस देन वन के लिए सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन डाइवर्ज करता है। तो जब ये डाइवर्ज करता है विद द बाय द सेकेंड कन्वर्जेंट टेस्ट ऑफ लिमिट फॉर्म, ये भी क्या करेगा आपका डाइवर्ज करेगा, ये बिहेवियर लाइक कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी सी एनालिसिस आपको करनी है इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, जीरो टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। चलिए यहाँ पे अगर मैं जीरो की बात करूँ, जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, आपका जो इंटीग्रैंड है ओवर द रेंज फर्स्ट क्लास बाउंडेड है, बट ड्यू टू दिस अनबाउंडेड रेंज इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, है ना। तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की कन्वर्जेंस डील करने के, कन्वर्ज करता है या नहीं करता है, तो एक काम करते कि हमें पता है क्या, वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा भाई, क्योंकि एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स, है ना, ये होल्ड करता है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इज लेस देन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। और इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, वन ओवर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों को रिवर्स कर दिया ना आपने, तो इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी आपकी, यानी ठीक है, ये इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स, यानी कि ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा काम, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना भाई, वो वन अपॉन एक्स स्क्वायर से छोटा है। और अगर मैं बात करूं जीरो टू इन्फिनिटी dx, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी dx भी ये इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा, ठीक है। तो बाय द कंपेरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट, आपके पास अगर दो फंक्शन इस तरीके से हैं कि f of x is less than equals to g of x for all x belongs to, for all x belongs to a to capital x, है ना, तो क्या करेगा, अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू, सिंस दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेस, देयरफॉर बाय द फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट इट इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जेंट डिस्कस करनी है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं घर से करने के लिए, जो आपको खुद से ट्राई करना है, राइट डाउन द क्वेश्चंस। वन टू इन्फिनिटी लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसकी कन्वर्जेंस वो डील कर लेते हैं, ठीक है। वन पॉइंट ऑफ इंफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि वन टू इन्फिनिटी में फर्स्ट क्लास बाउंडेड है, ये बाउंडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, यह आपका एफ ऑफ एक्स है, लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ ओफ एक्स वो फर्स्ट क्लास बाउंडेड है ओवर द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक तो इस चीज का ख्याल रखना कि जब लॉग एक्स होता है ना, आपने फर्स्ट क्लास प्रॉपर इंटीग्रेशन में भी देखा होगा, जब लॉग एक्स आता था, लॉग वन अपॉन एक्स आता था, तो लिमिट तो ही बनती थी वहां पे, ये तो जीरो बनती है या इनफाइनाइट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट तो ही बनेगी, तो जीरो बनेगी या इनफाइनाइट बनेगी, तो भाई आपको जीएक्स यहाँ पे स्मार्टली चूज करना है। अगर लिमिट जीरो बनती है आपकी, तो जीएक्स आपको कन्वर्जेंट लेना है, तब वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। और लिमिट आपके अगर इनफाइनाइट बनती है, तो जीएक्स आपको डाइवर्जेंट देना लेना है, तब वो इसके बारे में बताएगा। अगर आपको नोट नंबर वन और टू याद आ रहे हो, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे आपको, तो आपको जीएक्स सेलेक्ट करना है यहाँ पे स्मार्टली। आपको करना क्या है कि जो इस तरह की जो भी लिमिट है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूं, एट द लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आती है, इस तरह की जो लिमिट आती है आपके पास वो क्या आती है, अगर मैं देखूं इस तरह की जो लिमिट है आपके पास, जैसे कि लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो ये जो बन रहा है इनफाइनाइट बाई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बन रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, इसी को अभी एफ एक्स के लिए काम कर रहे हैं, जी एक्स हमें सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसी के लिए काम कर रहे हैं कि अगर इस तरह का फंक्शन हो तो क्या होगा उसकी लिमिट। तो आप क्या करते हैं भैया, वन एल हॉस्पिटल लगाते हैं, यानी कि वन ओवर एक्स लगाएंगे और यहाँ पे टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये लिमिट जीरो बनेगी,
जीरो बनेगी ना, ठीक है, क्योंकि वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में, यानी कि जी एक्स आपको ऐसा लेना है ताकि नीचे जो है ना एक्स आपकी पॉजिटिव पावर आपकी बनी रहे, एक्स क्या बनी रहे आपकी पॉजिटिव पावर, लेकिन पॉजिटिव पावर आपकी बनी रहे। चलिए लेते हैं लिमिट, हम अगर हमारी जीरो बने तो जी एक्स थोड़ा सिलेक्ट करते हैं, तो जी एक्स आपने ले लिया ए वन ओवर एक्स टू द पावर थ्री बाई टू ले लिया, क्योंकि लिमिट जीरो जी एक्स आप जो चूज करेंगे ऐसा करेंगे कि उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो, तभी वो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप यहाँ पे वन बाई टू या कुछ डाइवर्जेंट लेके चलते हैं, लिमिट जीरो आ जाती है, तो वो इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा इस तरह का जी एक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब एफ ओफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ओफ एक्स की लिमिट निकालते हैं एज लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा भाई आपकी लिमिट एक्स टू द पावर थ्री बाई टू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट आपके पास क्या होगी, ये लिमिट जो होगी आपके पास फर्स्ट क्लास जीरो होगी। ये काम आप लोग करके देख लेना, ये लिमिट क्या मिलेगी आपको, फर्स्ट क्लास जीरो मिलेगी। और जब ये लिमिट जीरो हो गई, तो ये लिमिट जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है कि विद द लिमिट जीरो एंड अगर आपका वन टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स कन्वर्ज कर जाए विद दिस लिमिट, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो अभी चेक करते हैं कि आपने जो जी एक्स लिया वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स, ये कन्वर्जेंट है या नहीं। यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन वन है, और ये फर्स्ट क्लास कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो बाय द कन्वर्जेंट टेस्ट ऑफ द लिमिट फॉर्म विद द लिमिट जीरो नॉट नंबर वन, ये क्या कर जाएगा आपका कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एनालिसिस करनी है, कंपेरिजन टेस्ट का फुल इस्तेमाल करना है, ठीक। ऐसे आप एक एग्जांपल ये भी कर सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स और साइन टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी बात करें। अच्छा देखने में लग रहा है कि जीरो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बनेगा, लेकिन अगर मैं देखूं अपने इंटीग्रांड को एट द पॉइंट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये वन वैल्यू देगा, क्या देगा, वन देगा वैल्यू, तो इसका मतलब इसका जीरो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका जब जीरो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, तो अगर मैं इसको जीरो टू वन साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो मेरा प्रॉपर हो गया है ना, ये तो कन्वर्जेंट है मेरा, बस मुझे इसी कर, अगर ये कन्वर्ज कर गया तो ये भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो वन टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ किससे छोटा होगा हमेशा वन ओवर एक्स स्क्वायर से, तो क्या मैं इसको जी एक्स सिलेक्ट कर लूँ, यस। तो एफ ओफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा जी ओफ एक्स। अब मुझे चेक करना है, क्या करना है कि वन टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स के, है ना। तो अगर ये कन्वर्ज करता है बाय द फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट, तो ये भी क्या कर जाएगा आपका, कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लास कन्वर्ज करता है, तो ये भी आपका कन्वर्ज करता है टेस्ट। स्टूडेंट सी इन द नेक्स्ट क्लास विद सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड काइंड, देन वी विल डील अदर टेस्ट ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट in the first kind of improper integration, in the second kind of improper integration, then comment me in the comment box and like, subscribe the channel. Thank you very much.